हेलो, हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका इमाम हसन, और आज आए हैं आपको एक दज्जाली फितना के बारे में बताने के लिए। इसके बारे में हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन किया था कि दुनिया के अंत में क़यामत से पहले पहले एक फितना होगा, दज्जाली फितना। वो इजराइल से उठेगा और उसका जो होगा उसके बारे में चिन्ह से कुछ बताया गया था। ये था कि उसका एक आँख होगा, वो एक ही आँख वाला होगा, और वो लोगों को बहुत परेशान करेगा, दुनिया के लोगों को। वो जब चाहेगा जहाँ चला जाएगा, और वो खुद का खुदा होने का दावा करेगा। वो बोलेगा कि हम ही अल्लाह हैं, और जो लोग उसे तस्लीम कर लेंगे उनको वो जन्नत में भेजने का दावा करेगा, और जो लोग उसे इनकार करेंगे उन्हें खौलते हुए तेलों में डाल देगा और उन्हें कत्ल कर देगा। ऐसे ऐसे वो बहुत से जुल्म सितम का पहाड़ ढा देगा दुनिया में। और उसी टाइम पे जो ईसा मसीह थे, उनका जो बताया जाता है कि उनका इंतकाल नहीं हुआ था, उनको डायरेक्ट आसमान में उठा लिया गया था। उस टाइम पे उनका एज 39 साल बताया गया है। तो वो बाकी का जो ज़िंदगी है उनका, वो उनको दुनिया में आकर जीना है। तो उनको फिर से वो यरूशलेम का जो इलाका है उसी में एक मस्जिद के मीनार पे उतारा जाएगा, और वो दज्जाल का, वो दज्जाल से लड़ेंगे, उसे निशाना बनाएंगे। और वो जब ईसा मसीह को देखेगा तो वो पिघलने लगेगा मोम की तरह से, और वो जो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे वो उसको निशाना बनाकर मार देंगे। और इसी टाइम पे जो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पे होगा, यानी कि अहमद या मोहम्मद होगा, और वो दुनिया के आखिरी में आएगा, और वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। तो वो जो टाइम था वो अब नज़दीक दिख रहा है। इसीलिए जो इजराइल है, अभी का इजराइल है, वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मस्जिद अल-अक्सा को गिराने की बातें कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि एक समय आएगा जब उसको गिरा दिया जाएगा, यानी मस्जिद अल-अक्सा को ये लोग गिरा देंगे। और उसके बाद जो अरब के नौजवान हैं, अरबी नौजवानों के खून खौल जाएगा, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। और एक जंग होगा जिसको बाइबिल में या यहूदियों के किताबों में थर्ड क्रूसेड के नाम से जाना गया है, यानी कि एक समझ लीजिए थर्ड वर्ल्ड वार की तरह होगा। और उसमें 80 80 देश भाग लेंगे, वो जो काफिरों की तरफ से होंगे, और 80 सैनिक की टुकड़ियां बनाई जाएगी। एक सैनिक टुकड़ी में 12,000 का लश्कर होगा, और जो मुस्लिम फौज होंगी उसका 2/3 हिस्सा जो होगा वो इसमें इसमें मारे जाएंगे और भाग जाएंगे लोग, लेकिन एक हिस्सा उसमें का ऐसा होगा जो जो गालिब आ जाएगा उन पे, और वो इस जंग को जीत जाएगा। और फिर इमाम मेहदी, जो कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मेरे ख़ानदान से एक बच्चा होगा, वो इमाम मेहदी के नाम से जाने जाएंगे, और उनका हुकूमत आएगा, और पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का एक तरह से हुकूमत आएगा, और बहुत ही शांति दौर दौर आएगा। इमाम मेहदी का जो वो शासन होगा, जो हुकूमत होगा, वो 7 साल तक रहेगा, और उसके बाद 7 साल में एक तरह से पूरे दुनिया में शांति कायम हो जाएगा। और जब ये लोग चले जाएंगे, इनका इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद जब ये दुनिया फिर से गफलत में चला जाएगा और बुराइयों में डूबने लगेगा, तो क़यामत आ जाएगा। उसके बाद से अल्लाह की तरफ से कोई भी सहायता या हेल्प इमाम मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा या किसी प्रोफेट के जैसा नहीं आएगा, और ये दुनिया फिर हलाक हो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से डरते रहें हमेशा। और शुक्रिया।